दोस्तों नमस्कार। हमने कुछ PLM तैयार किए हैं हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए, तो आप भी विद्यालय के बच्चों के लिए ये TLM तैयार कर सकते हैं। इस TLM की सबसे खास बात यह है कि इन TLMों के माध्यम से ही हम गणित की आधी से ज़्यादा पढ़ाई कंप्लीट करवा सकते हैं। देखिए, हम आपको इसकी मदद से बच्चों को जोड़ करना सिखाएंगे, और ये घटाव का चिन्ह है तो घटाव भी सिखाएंगे, और गुणा है तो गुणा, भाग, इसके अलावा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक की संख्याओं की पहचान बच्चों से करवाएंगे हम। हजार और ये 10,000, उसके बाद में छोटी बड़ी संख्या और बराबर की संख्या की भी पहचान करवाएंगे, संख्या पहचान भी करवाएंगे, बच्चे संख्या बना भी सकते हैं। ये सारे काम हम इन TLMों की मदद से करेंगे। एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। ये TLM आसानी से बना सकते हो दोस्तों। ये मैंने एक एक चीज की शुरुआत कर रहा हूँ, और ये है जोड़। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जोड़। ये जोड़ का चिन्ह है, ये बाकी रख दिए। ये देखो, इधर देखिए, ये TLM के तीन तीन चार चार सेट बनाए हुए हैं, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं के। आप भी 0 से 9 तक की संख्याओं के तीन तीन चार चार का सेट बना लीजिए, पांच पांच का सेट बना लीजिए, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, मैंने अधिकतर सभी TLM पांच पांच के सेट में बनाए हुए हैं। ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अभी सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे जोड़ करना है। देखिए, छोटे बच्चों के साथ ये 5 है और इसमें 6, यानी 5 और 6 को जोड़ना है, तो जो संख्या आएगी वो हम यहाँ पे बता देंगे बच्चों को। ये देखिए, 11, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11। हम एक एक उदाहरण और दे देते हैं आपको। जैसे 7 है और ये 8 है, 7 को और 8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 15 प्राप्त होंगे, और ये 15, ठीक है। ये जोड़ कंप्लीट हो गया। उसके बाद इन्हीं TLM की मदद से हम घटाव कैसे करेंगे, देखिए। घटाओ, ये 6 और ये 2, 6 में से हमें 2 घटाने हैं तो 4 बचेंगी। संख्याएं ज्यादा भी कर सकते हैं, 10 से ज्यादा भी से भी घटाव कर सकते हैं, बच्चों के स्तर के अनुसार। अगर बच्चों का स्तर अच्छा है तो 20 से ज्यादा, 30 से ज्यादा भी हम घटाव करवा सकते हैं। देखिए, एक और घटाव करके बताते हैं हम आपको। 9 है और ये 5 है, 9 में से 5 घटाने हैं तो 4 प्राप्त होंगे। साथियों, आप अपने विद्यालय में इसकी मदद से बच्चों को आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, मैं इनको रख देता हूं। इसके बाद में गुणा, गुणा का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह है 5 और यह है 4, इनको गुणा करना है। 4 को 5 से गुणा करना है, जो उत्तर आएगा वो बच्चे इधर लिखे लेंगे, उत्तर आ गए 20। इसी प्रकार से हम बड़ी संख्याएं भी दे सकते हैं बच्चों के लिए। जैसे यहां 8 दे दिया और यहां पे 9 दे दिया, यानी 9 को 8 से गुणा करना है तो 72 उत्तर प्राप्त होंगे। बच्चे यहाँ बेहतर आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, गुणा कंप्लीट हो गया अपना। उसके बाद में हम आपको बताते हैं भाग। भाग का प्रयोग ये हो गया, इसके बाद हम भाग का प्रयोग करेंगे। ये है भाग, इसमें 8 में 2 का भाग देंगे तो हमें 4 उत्तर प्राप्त होंगे, ठीक है। अगर इसमें आप ज्यादा भी करना चाहते हो तो कर सकते हो साथियों।
जैसे ये हमारे पास संख्या हो गई 45। नौ का भाग देना है 45 में, हमें 5 प्राप्त होते हैं उत्तर में। इसी प्रकार से हम आसानी से कर सकते हैं, इनको जहां से लिया हम वहीं पर रख देते हैं। अब देखिए छोटी बड़ी संख्या की पहचान कैसे कर सकते हैं। ये छोटी बड़ी संख्या और बराबर की संख्या है, बच्चे इनकी पहचान कैसे करेंगी? 65 और ये 78। तो इसमें बच्चे चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से हम बराबर की संख्या में बराबर का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये बराबर की संख्या का प्रयोग कर सकते हैं, इनको वापस रख देते हैं। अगली कड़ी में देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम बच्चों से संख्या बनवा सकते हैं, संख्या की पहचान करवा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, अगर फर्स्ट क्लास के आपके बच्चे हैं तो ये 5 है, बच्चे से पूछेंगे ये कितने हैं, बच्चा बता देगा। उसी प्रकार के इनको बदलते रहिए और बच्चों से संख्या पूछती जाए, पूछते जाइए। 6, 5, बच्चा बता देगा 4। अगर बच्चे एक क्लास से ऊपर के हैं तो उनसे बड़ी संख्याएं भी पूछ सकते हो आप, बच्चा बता देगा ये 65 है, बच्चा बता देगा ये 86 है, बच्चा बता देगा ये 99 है। अगर बच्चे तीसरी चौथी पांचवी के हैं तो उनसे तीन तीन चार चार संख्याओं के बारे में पूछ सकते हो, बच्चा बता देगा कि ये 786 है, ये 786 है। उसी प्रकार से आप 3, 4, 5 अंकों तक की संख्याएं बनाकर बच्चों से बच्चों के स्तर के अनुसार पूछ सकते हो। अब देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, इसका उपयोग भी कैसे करते हैं? कुछ संख्या लिख देंगे, अगर बच्चों का लेवल कम है तो पहले हम दो संख्या ले लेंगे। देखिए इन्हीं में से बच्चों से पूछ लिया जाएगा, ये है 6, ये है 7, 76 संख्या हो गई। इसमें इकाई अंक है 6, ढाई अंक है 7। इसी प्रकार से हम बच्चों से, अगर बच्चों का स्तर अच्छा है तो 3 संख्या भी ले सकते हैं, 4 संख्या की भी ले सकते हैं। बच्चा सोच समझ के अपनी सूझबूझ के साथ जवाब दे देगा, बच्चे से पूछा जाएगा कि कितनी संख्या है तो इससे अंदाजा लगा लेगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 45,676। ऐसे बच्चा इनकी मदद से बता पाएगा अगर संख्या चेंज करते हैं। देखिए इन संख्याओं में कैसे कर पाएगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 76,456। इन्हीं की मदद से हम बच्चों से स्थानीयमान भी पूछ सकते हैं। स्थानीयमान कैसे पूछना है, जैसे ये 4 है, बच्चे से पूछेंगे 4 का स्थानीयमान कितना है, तो बच्चा अनुमान लगा के बता देगा कि 4 का स्थानीयमान 400 है, 4 का स्थानीयमान 400 है। उसी प्रकार से अगर बच्चे से पूछा जाए कि 6 का स्थानीयमान कितना है, तो बच्चों को समझा दिए ये इस प्रकार से आपको अनुमान लगाना है, 6 का स्थानीयमान 6,000 है। अगर पूछा जाए कि 7 का स्थानीयमान क्या है,
तो सात का स्थानीय मान 70,000। इसी प्रकार से बच्चों से हम स्थानीय मान के बारे में पूछ सकते हैं। अगर पूछे बच्चे से कि पाँच का स्थानीय मान क्या है, तो बच्चा आसानी से बता देगा पाँच का स्थानीय मान 50 है। और ये कुछ TLM है, इनकी मदद से हम आधी से ज़्यादा गतिविधि बच्चों के साथ कर सकते हैं। आप भी ये कुछ TLM बना सकते हो और विद्यालय में आधी से ज़्यादा गतिविधि अपने बच्चों के साथ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।